हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ब्रेबॉक्सिल क्रीम की। ये डॉक्टर रेकमेंडेड क्रीम है। ये क्रीम को डॉक्टर किस टाइप की स्किन इश्यू होने से प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको कब और कैसे यूज करें, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। गाइज, ब्रेबॉक्सिल क्रीम 20 ग्राम की पैकेजिंग में आती है और 112 रुपीज इसका प्राइस है। इसको मैन्युफैक्चर करती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन में आपको थोड़ी बहुत सस्ती भी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो गाइज, ये क्रीम को मोस्टली डॉक्टर तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो। ये एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम है जो एक्ने पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। इसमें एक ही इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, वो है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड क्या करता है कि ये मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर कर देता है, साथ ही पोर्स को भरने वाली जो डेड स्किन होती है उसको भी हटा देता है। कई बार स्किन पर एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से भी एक्ने पिंपल होते हैं जो कि पोर्स को क्लॉक कर देता है, उसकी वजह से पिंपल हो जाते हैं। इसकी स्किन पर डेड स्किन जम जाती है, उसकी वजह से भी पिंपल की प्रॉब्लम होती है। बेंजोल पेरोक्साइड डेड स्किन को भी हटाते, साथ ही ऑयल को भी कंट्रोल करता है। बात करें इसको कब और कैसे यूज़ करें, तो इसे आप ही कंपनी के अकॉर्डिंग दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप नाइट में यूज़ करें। ओनली आपको एक्ने पिंपल के ऊपर ही यूज़ करना है, पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना है, ओनली अफेक्टेड एरिया में ही यूज़ करना है। पहले अपना फेस को क्लीन कर लेना है, प्रेट ड्राई करने के बाद ये क्रीम का यूज़ करना है। इसको साफ हाथों से साफ जगह पर ही यूज़ करना है। ये क्रीम को फेस पर ही नहीं, अपने जहाँ पे भी, जैसे बॉडी में भी, छाती या पीठ पर जहाँ आपके पिंपल होते हैं वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। ये क्रीम का बेनिफिट बहुत है लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर आपको ये क्रीम में सूट नहीं करती है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपकी स्किन लाल पड़ सकती है, स्किन पर खुजली आ सकती है, स्किन इरिटेट हो सकती है, स्किन पीलिंग भी हो सकती है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये क्रीम को यूज़ करने से। ये स्किन को फोटो सेंसिटिव भी बना सकती है, इसलिए डे टाइम सनस्क्रीन का अप्लाई ज़रूर करना है। ये क्रीम को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही है, खासतौर पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्रीम का यूज़ करना है। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।